गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इकनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे टेस्ट के लिए आपका फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो मैंने आपको टेन क्वेश्चंस की पिक भेजी थी तो आपने वही टेन क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि वही चैप्टर में से सारे टेन के टेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं तो उन टेन टॉपिक्स को अच्छे से आपने लर्न करना है फ़र्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसमें वो था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग से इकोनॉमिक्स इज़ असेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स चॉइस करना कि जैसे कि हमें पता है हमारी नीड्स हमारी नीड्स अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है जैसे कि पैसा लगा लो हमारे पास मनी जो है वो कम है और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करनी पड़ती है चॉइस करनी पड़ती है कि किस नीड को पहले पूरी करें और किस नीड को बाद में तो उस चॉइसेस को हम बोलते हैं इकनॉमिक प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक्स किस से रिलेट करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कि हमें किस नीड को पहले पूरी करना है और किस को बाद में इकोनॉमिक्स इज़ अशेंशली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वई मस्ट कन्फ्रेंट ओनिंग टू द फैक्ट ऑफ अवर मीन्स और स्कीयर्स इन रिलेशन टू अवर बांट्स जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतने हमारे पास रिसोर्स नहीं हैं इफ़ देर इज़ नो स्कीयर सिटी अगर कमी ना होती तो कोई प्रॉब्लम भी ना होती देन देर इज़ नो प्रॉब्लम मान लो हमारे पास मनी बहुत ज़्यादा होती रिसोर्स बहुत ज़्यादा होती तो हमारी कोई इकनॉमिक प्रॉब्लम ना होती एंड देर इज़ नो इकनॉमिक्स तो कोई इकनॉमिक्स भी ना होती तो हम कह सकते हैं जो इकनॉमिक्स हैं वो प्रॉब्लम से डील करती है इफ़ देर इज नो इकनॉमिक प्रॉब्लम देन देयर विल भी नो स्टेटिक्स रोबिंस डिफाइंस इकनॉमिक्स आ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इकनॉमिक्स जो है वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है कि हमारी ज़रूरतें हम किन को पहले पूरी करते हैं और किन को बाद में तो ये है इकोनॉमिक्स का मीनिंग नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज थ्री डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फर्स्ट जो कॉम्पोनेंट है वो है कंज़म्पशन सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन कंज़म्पशन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कंजम्पशन कंजम्पशन मीन्स होता है कंज्यूम करना जैसे हमें पता है ये हम सारे क्या हैं कंज्यूमर्स हैं हम डेली बहुत सारी गुड्स को परचेज़ करके उनको कंज्यूम करते हैं ताकि जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स हैं वो पूरी हो सके तो एज अ कंज्यूमर वी कंज्यूम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं कंजम्पशन थ्योरी नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर जैसे कि हमें पता है हम में से ही बहुत सारे लोग क्या हैं प्रोड्यूसर हैं शॉप जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को रो मटेरियल को लेके उनको फिनिश्ड में कन्वर्ट करते हैं तो रो को फिनिश्ड में करना ये क्या है प्रोडक्शन है तो एज अ प्रोड्यूसर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि किस गुड की प्रोडक्शन करने से हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हमारी कॉस्ट मिनिमम हो तो हम उस गुड को चूज़ करते हैं उस वस्तु को चूज़ करते हैं जिसमें हमारा खर्चा बिल्कुल कम हो और प्रॉफ़िट क्या हो सबसे ज़्यादा तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन थ्योरी थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना डिस्ट्रीब्यूट करना तो एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोटल इनकम किस किस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूट फोर रजे, फोर कंपोनेंट्स फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है फर्स्ट वन इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम इज जनरेटेड टू द ओनर ऑफ लैंड अब जिसकी जमीन है पहला उसको पैसा मिलेगा उसकी जो लैंड है उसको उसका रेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट एक पार्ट तो गया ओनर के पास सेकेंड अ पार्ट विल गो टू द लेबर अब जिस पर्सन ने वहाँ पे एज अ लेबर वर्क किया उसके पास पैसा जाएगा एज ए सैलरी लगा लो एज अ विजिस लगा लो तो उसको भी पेमेंट होएगी थर्ड इज़ अ पार्ट विल गो टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल जिस पर्सन ने अपना पैसा लगाया तो उसको क्या होगा इंटरेस्ट रिसीव होएगा मान लो उसने लोन लिया लोन दिया तो उसको पैसा वो अर्न होएगा फोर्थ है एंटरप्रन्यस जो कि इसका बिजनेस है तो उसको कौन सा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का तो ये फोर पार्ट्स में हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है फर्स्ट वन इज ओनर सेकंड होती है लेबर को थर्ड होती है एंटरप्रेन्योर्स को एंड फोर्थ होती है लेबर को तो ये चार पार्ट्स में जो हमारी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड क्वेश्चन रजी जो मैंने आपको नोट करवाया है वो है स्टेटिस्टिक्स डिफाइन स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर एंड एज अ प्लूरल नाउन लेट अस डिस्कस सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन फर्स्टली वी डिस्कस एज अ सिंगुलर नाउन स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स और टेक्निक्स विच वी आर यूज टू कलेक्ट द डाटा तो देखो आपकी बुक में लिखा हो स्टैटिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिक्स और स्टेटिस्टिकल मैथड्स तो वो मैथड्स हैं जिनसे हम अपना डाटा कोलेक्ट करते हैं जैसे कोलेक्शन करते हैं फिर डाटा को क्लासीफाई करते हैं फिर डाटा को प्रेजेंट करते हैं फिर एनालिसिस करते हैं देन इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे कंक्लूजन फाइंड करते हैं तो ये फाइव स्टेजेस लगा लो फाइव मेथड्स लगा लो डाटा को कलेक्ट करने के तो एज स्टैटिक्स इसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट है राजे प्लूरल प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है देखो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टैटिक्स जो है वो है क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन जब भी हमारे पास अगर नंबर्स की बात आती है डाटा की बात आती है तो वो क्या है स्टैटिस्टिक्स तो न्यूमेरिकल फिगर्स को हम क्या बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तो एज अ प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और नंबर ऑफ अ डाटा तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फा फोर फोर्थ क्वेश्चन है करैक्टिस्टिक्स करेक्टिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से लर्न करना है स्टैटिक्स अब आपको पता है स्टेटिक्स क्या होता है न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव डाटा जो डाटा नंबर्स में होता है तो हमें पता है डाटा जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए स्टैटिक्स में हम सिंगुलर डाटा को नहीं लेके चलते हम किसको लेके चलते हैं ग्रुप ऑफ डाटा को जैसे मैं आपको बोलूँ इस स्टूडेंट के हंड्रेड में से नाइन्टी मार्क्स हैं तो सिंगल पर्सन हो गया सिंगल स्टूडेंट हो गया तो वो स्टैटिक्स नहीं है अगर मैं बोलूँ राम के हंड्रेड में से नाइन्टी है और शाम के हंड्रेड में से नाइन्टी फाइव है तो ये क्या है स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डाटा है मींस एग्रीगेट ऑफ डाटा है तो स्टैटिक्स की फीचर है कि डाटा किस में होना चाहिए ग्रुप में होना चाहिए सेकेंड पॉइंट न्यूमेरिकल एक्सप्रेस तो जो स्टैटिक्स है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में ही शो कर सकते हैं जैसे हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड या वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी ले सकते हैं नंबर्स तो नूमेरिकल्स में ही स्टैटिक्स होता है होनेस्टी डिस होनेसटी टोल रिच पुअर ये स्टैटिक्स नहीं है थर्ड पॉइंट अफेक्टेड बाई मल्टीपल काजेज जो स्टैटिक्स है, है वो जो नंबर्स है वो बहुत सारे काजेज उसको इफेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेंथ में से हंड्रेड में से नाइन्टी मार्क्स आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जैसे आपने अच्छी प्रिपरेशन की अच्छे नोट्स बनाए टीचर को अच्छे से सुना टीचर ने अच्छे से पढ़ाया या फिर जैसे अब करोना की वजह से तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं तो वैसे ही हम बोल सकते हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको बहुत सारे काग़ज़ इफ़ेक्ट करते हैं नंबर को बहुत सारे कागज़ इफ़ेक्ट करते हैं ये आपने रजे फीचर्स के फ़ोर या फाइव पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर फाइव जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टेजस स्टेज ऑफ स्टेटिस्टिकल स्टडी तो आपको पता है फाइव स्टेज होती हैं फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फोर्थ इज़ अनलिस ऑफ डाटा एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा तो आपने ये नेम ही अच्छे से लर्न करने हैं नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स या क्वेश्चन लगा लो सिक्स स्टेटिस्टिकल टूल्स टूल्स वही होते हैं जो हमने स्टेज डिस्कस की फाइव वही टूल्स भी हैं तो इनके टूल्स कौन से हैं मीन्स इसको कैसे करते हैं देखो फर्स्ट वन इज़ कोलेक्शन ऑफ डाटा डाटा को कैसे कोलेक्ट करते हैं टू मेथड्स होते हैं सेंसेज एंड सैम्पल सेंसेस एंड सैंपल सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मी डाटा को ऑर्गेनाइज करना मीन्स रो डाटा को सिस्टमेटिकली डिवाइड करना तो वो हम एरे और डाटा टेलीवार से करते हैं थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तो डाटा को हम प्रेजेंट या तो टेबल बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं या फिर डायग्राम्स बनाते हैं फोर्थ इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा एनालिसिस हम परसेंटेज और एवरेज निकाल के करते हैं फिफ्थ इज़ इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन मीन्स कम्पेरिजन करना तो वो हम एवरेज रिलेशन फाइंड करते हैं अलग अलग डाटा को तो ये है स्टेटिस्टिकल टूल्स नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन लिमिटेशंस जो मैंने आपको करैक्टरस्टिक्स लिखाई हैं उसके ऑपोजिट ही लिमिटेशन होती हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने किया था नूमेरिकल डाटा तो ये स्टेटिस्टिक्स की कमी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स को लेके चलता है जो क्वालिटी है उनको इग्नोर कर देता है जैसे होनेसटी विजडम को नहीं लेके चलता तो ये कमी होगी स्टेटिस्टिक्स की सेकंड सिर्फ एग्रीगेट को लेके चलता है सिंगल को नहीं लेके चलता दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए सिंगल को नहीं लेके चलता तो ये क्या होगी इसकी लिमिटेशन तो इस टॉपिक के भी आपने फोर और फाइव पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं नेक्स्ट एट्थ टॉपिक दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज मीन्स फंक्शन और इम्पॉर्टेंस कोई भी आ सकता है तो आपने सेम यही लिखना है स्टेटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ईजीली क्वान्टिटेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है वर्किंग आउट काज एंड इफेक्ट हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जैसे हमें टू स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है तो हम उन दोनों का इजीली रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा और किसके कम है फोरकास्टिंग कर सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं पॉलिसीज बना सकते हैं तो ये इम्पोर्टेंस है स्टेटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स नेक्स्ट है री नाइन्थ पॉइंट जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन था वो था डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो आपकी बुक का नेम भी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक प्लस टू में आपको होगी इंट्रोडक्टरी मैक्रो तो माइक्रो का मीन्स छोटा मैक्रो का मीन्स बड़ा जब हम एक परसन एक हाउस होल्ड एक फर्म की बात करते हैं तो वो माइक्रो है जब हम सारी इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मीन्स सिंगल फर्म ए फर्म ए हाउस होल्ड ए इंडस्ट्री जब हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं पूरे वेलफेयर की बात करते हैं तो वो है मैक्रो ना लास्ट टॉपिक है टेंथ टेंथ है डिस्क्रिप्टिव एंड इनफ्रुएशियल स्टेटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव नेम से क्लियर है वाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्ट मीन्स दोज मैथड्स तो इसमें हम मैथड डिस्कस करते हैं कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है क्लासीफाई करना है ठीक है मीन कैसे फाइंड करना है मोड कैसे फाइंड करना है तो ये सारा हम स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव में करते हैं इनफ्रेंशियल इनफ्रेंशियल मैंने सैम्पल बेस पे डाटा हम सैम्पल बेस पे कलेक्ट करते हैं सारे मेथड्स नहीं लगाते हैं। सिर्फ एक दो सैम्पल ही चूज़ करते हैं और उसी बेस पे एनालिसिस करते हैं तो ये हो गया रजे आपका टेंथ क्वेश्चन तो आपने ये टेन के टेन क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आप टेस्ट में गुड मार्क्स ले सको ओके थैंक यू स्टूडेंट्स